दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हमें सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना चाहिए या सल्फेट वाला, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये सभी चीज़ों की जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी देने वाला हूँ और कौन सा शैम्पू आपके लिए बेस्ट रहेगा ये सभी चीज़ों की जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा लास्ट तक देखना और आप इस चैनल पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हो तो नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन जाओ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, जब मेडिकल स्टोर पर देखते तो हमें कई तरह के अलग अलग ब्रांड के देखने को मिलते हैं शैम्पू, जैसे कि लोरियल है, ट्रेसमी है, डव, ये सब के अंदर सल्फेट होता है। लेकिन दोस्तों सल्फेट कई लोग इसीलिए डरते कि सोचते कि सल्फेट वो चीज़ होती है जो डिटर्जेंट में डलता है, जो हम कपड़े धोने के साबुन होते हैं उसके अंदर जो सल्फेट होता है वही सल्फेट इस शैम्पू में होता है। दोस्तों बहुत ही अलग अलग तरीके के सल्फेट होते हैं, तो मैं आपको पहले सल्फेट किस कैटेगरी के तो मैं आपको बता दूँ। दोस्तों सल्फेट एक तरह का केमिकल है जो खास झाग देने के लिए बनाया गया है, ज़्यादा झाग मिले, ज़्यादा क्लीनिंग मिले, डीप क्लिनजिंग मिले, इसके लिए सल्फेट को बनाया गया है। दोस्तों अगर आप रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हो यानी कि जो आप मेडिकल स्टोर पर से खरीद लेते हो उसके इंग्रेडिएंट्स में अगर आप नज़र डालोगे तो आपको सोडियम लोरेथ सल्फेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये भी एक सल्फेट यानी इससे आपको डरने वाली बात नहीं है, माइल्ड होता है यानी आपके बालों को बिल्कुल भी हार्श नहीं करेगा, यानी कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा, यानी आपके हेयरफॉल नहीं बढ़ाएगा, आपके बालों को क्लीन करता है, लेकिन ये भी एक सल्फेट है। अगर दूसरे सल्फेट की बात करें, अगर दूसरे सल्फेट पर नज़र डालें, अगर आपके शैम्पू के अंदर अगर वो सल्फेट हुआ तो आपको डरने की बात है, यानी कि आपकी ड्राइनेस भी आ सकती है, बालों में हेयरफॉल भी हो सकता है। तो जैसे बात करें सल्फेट की, ये सोडियम लोरियल एथर सल्फेट है। दोस्तों अगर आपके शैम्पू के अंदर ये वाला सल्फेट मिला हुआ है तो दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा झाग देखने को मिलेगा, लेकिन इसका नुकसान ये है कि आपके झाग तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, आपकी क्लीनिंग भी होगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्लीन होने की वजह से यानी आपके जो नेचुरल ऑयल है उसको तो निकालेगा, आपके हेयर के जो क्रिटिकल के भी ऑयल है उसको भी निकाल के आपके बाल को बिल्कुल ड्राई कर देगा। और दोस्तों अगर आपने कोई ट्रीटमेंट लिया यानी कि रिबॉन्डिंग किया या आपने कोई बालों में कलर करा लिया है तब आप इसको यूज़ कर लोगे, ये इंग्रेडिएंट्स वाले शैम्पू का अगर आप यूज़ कर लोगे तो आपके हेयर तो बहुत ही ड्राई होंगे, हेयरफॉल भी होंगे और आपके बाल बिल्कुल कमजोर पतले हो जाएंगे। दोस्तों बात करें हमें सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना चाहिए या सल्फेट वाला, जैसे मैंने आपको बता दिया कि सल्फेट किस तरीके से होते हैं और उसके नुकसान क्या है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते और आपको सूटेबल हो जाता है यानी आपको कोई नुकसान नहीं होता, अगर आप मेडिकल स्टोर पर से जो भी शैम्पू लेते हो और आप इसको यूज़ करते हो आपको हेयरफॉल नहीं होता, आपके हेयर ड्राई नहीं रहते, तब आप सल्फेट वाले शैम्पू यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों बात करें सल्फेट फ्री शैम्पू के, तो सल्फेट फ्री शैम्पू बहुत ही महंगे आते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात तो बताऊँ, लेकिन दोस्तों किनको यूज़ करना चाहिए, जिन लोग केयर काफ़ी कर ले रहते, ड्राई रहते, डैमेज रहते, उनके लिए खास बनाया गया और खास उन लोग के लिए भी जो केराटिन ट्रीटमेंट ले लेते या रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट या हेयर कलर करवा लेते उन लोग के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों अगर आपके बाल बहुत ही ड्राई डैमेज कर लिए, आप परेशान रहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करो। अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले तो आपको जरूर से आपको सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है, आपको कोई भी मेडिकल स्टोर पर जो मिलते हो शैम्पू यूज़ नहीं करना, वरना आपके बाल बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो आपको सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है, थोड़ा सा महंगा होगा लेकिन काफ़ी इफेक्टिव रहेगा आपके लिए और आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आप जो भी ट्रीटमेंट ले लेते हो उससे आपको नुकसान नहीं होगा, आपके हेयर भी हेल्दी रहेंगे और आपको रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों वीडियो को जरूर पसंद आएगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो।